के एक और नए गेम प्ले के साथ। और आज अपन काफ़ी टाइम बाद खेल रहे हैं इरेंगल, जो कि हमें इरेंगल की आदत नहीं खेलने की क्योंकि मैं मोस्ट आउट होता हूँ लेवी की, ये तो क्योंकि वो छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इरेंगल पसंद नहीं है, इरेंगल का भी एक अपना ही फैन बेस है, मुझे भी इरेंगल पसंद हुआ है, मतलब हुआ करता था और है भी अभी भी, बट मैं ज़्यादातर लेवी खेलता हूँ क्योंकि वो छोटा होता है और बंदे भी बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। इरेंगल में सिर्फ हॉट ड्रॉप से बंदे मिलते हैं। खैर, बढ़ते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। और आज अपन ज़्यादा दूर नहीं अपने हॉट ड्रॉप मिलिट्री बेस से उतरे थे, यही सोच के ही बंदे बंदे मिल जाएंगे, बट कुछ मिले नहीं ज़्यादा खास। और जो कि जो बंदे आए हैं बचे कुछ जो भी उतरे हैं, एक स्क्वाड देखी थी मैंने उतरते हुए, तो चलो उनकी तरफ चलते हैं। और भाई M249 बिना टेक्स्टॉक के बहुत बेकार चलती है। खैर, उस बंदे का नाम याद रखना, अपन को रिकॉल करने के बाद हम पोचिंग की तरफ, पोचिंग की से जस्ट गाड़ी लेके अपन निकल ही रहे थे उत्ते में, मेरे को आए भाई फुटस्टेप, थोड़ी सी खिड़कियां तोड़ने के बाद मैं घुस जाता हूँ अंदर, देखी जाएगी, मरूंगा जाऊंगा जो भी होगा, दोबारा दूसरा मैं स्टार्ट करने का, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और भाई M249 के सामने तो खैर क्या ही बोल, लेकिन ग्रोजर लेके इतनी गंदी कैंपिंग भाई एक्सपेक्ट नहीं करी थी। खैर, अपन अपनी मिराडो लेके वहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे मेरे टीममेट्स मार्क करते हैं कि यहाँ पे बंदा है, तो मैं सीधा बंदे के नीचे ही गाड़ी ठोकता हूँ, मतलब घर के नीचे उसके, और सीधा अंदर अपनी M249 लेके घुस जाता हूँ। और यहाँ पे गाइस मेरा डिवाइस बहुत ज़्यादा लैग हुआ, कोई बात नहीं यार, अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो हम एक अच्छा सा नया डिवाइस ले लेंगे। और अपन यहाँ पे दोबारा जैसे हैं, यहाँ पे अपने टीममेट्स के बाद बंदे थे, और ये मेरा हैकर वाला स्प्रे M249 का। खैर, इसको पता नहीं कौन से मेरी बुलेट लेके जो ये नॉक हुआ है, मुझे नहीं पता। गाइस ध्यान से नाम पढ़ो इसका, वही वाला बंदा जिसने हमें मिलिट्री में नॉक करा था, और इसका लास्ट वाला बंदा मैं निपटा देता हूँ, और फाइनली अपना हो जाता है चिकन डिनर। खैर, आप लोग बता रहे हैं आप लोग कैसे लगी मेरे कमेंट्री, ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता अभी मैं,